नमस्कार दोस्तों मैं चल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ तो फिर बिना इंटो में टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं देन लेट स्टार्ट सो फ्रेंड्स मेरे कुछ व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था कैसे इस यूएसबी सॉकेट को इस डीवीडी मदरबोर्ड के साथ कनेक्शन किया जाता है सो so फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे सो so फ्रेंड्स सबसे पहले चलिए ये जानते हैं ये जो डीबीडी मादर है इस डीबी डी मादर में ये जो ई सॉकेट है ये ई सॉकेट को कहाँ लगाना है सो so फ्रेंड्स मादर को जब आप पलटेंगे तो उसे अच्छी तरीके से देखने में आपको पता चलेगा कि इस मादरबोर्ड में कहीं पर लिखा होगा प्लस फाइव वोल्ट डी एम और ग्राउंड यही जो चार पॉइंट है ये चारों पॉइंट पे हमें ये ई सॉकेट को कनेक्ट करना है जी हाँ दोस्तों ये आप ध्यान से सुन लीजिए और गाइस उसके बाद आपकी जो यूजबी सॉकेट है उसको कुछ आपको इस तरह से पकड़ना होगा और इस तरह से पकड़ने के बाद आपकी राइट साइड पे जो आखिरी पिन होगी वो पिन जाएगी फाइव भी जहां पर लिखा हुआ है वहां पर सो हमने फाइव भी जो पॉइंट था उसको सोलरिंग कर दिया है और उसके बाद हम यूजी सॉकेट को उसी तरह से पकड़ेंगे और उसकी लेफ्ट साइड पे जो आखिरी पिन होगी उसको हम मादार बोर्ड में जहां पर जी एन डी लिखा हुआ है वहां पर शोल्डरिंग कर देंगे सो so, यहाँ पर हमारा दो कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है और हमारा दो पॉइंट बाकी है अब अब चलिए इस दो पॉइंट को कनेक्शन करते हैं उसके बाद गाइस आप यूजबी सॉकेट को उसी तरह से पकड़ेंगे तो आपकी लेफ्ट साइड पे जो आखिरी पिन है वो पिन तो आपकी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हो चुकी है आप उसकी बाद में जो पिन है यानी ये पिन ये जाएगी डीपी जहां पर लिखा हुआ है वहां पर ये पिन शोल्डरिंग होगी यानी यहां पर शोल्डरिंग होगी सो so गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा तीनों कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है और ये जो लास्ट वाला वायर है ये जाएगी जहां पर डी एम लिखा हुआ है उस पॉइंट के साथ ये वायर सोल्डरिंग होगी तो चलिए इस वायर को उसके साथ सोल्डरिंग करते हैं सो so गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा चारों कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है आप चलिए इसे टेस्ट करने की बारी सो so चलिए इसको टेस्ट करते हैं सो so फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सारा कनेक्शन कम्प्लीट कर लिया है प्लस फाइव बोल्ट हमने इस बोर्ड में दे दिया है आप चलिए इस पेन ड्राइव को कनेक्ट करने की बारी तो चलिए इसे कनेक्ट करते हैं सो so ये हमने पेन ड्राइव को कनेक्ट कर लिया आप ये मादार बोर्ड पेन ड्राइव को डिटेक्ट करेगी कर थोड़ा समय यहाँ पर लग सकता है यहाँ पर आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा सो so गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो मादा बोर्ड ने पेन ड्राइव को डिटेक्ट कर लिया है और ये पेन ड्राइव आप ब्लिंक कर रहा है ओके गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर इट सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू